मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था। मैं नर्स बन के लोगों को सर्व करना चाहती थी। अब मैं फातिमा बा हूं, एक आईसिस टेररिस्ट इन अफगानिस्तान जेल। और मैं अकेली नहीं हूं, मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में। द केरल स्टोरी फिल्म को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अदा शर्मा की इस फिल्म का जब से टीजर रिलीज हुआ है तभी से फिल्म सवालों के घेरे में है। द केरल स्टोरी का टीजर सामने आते ही मेकर्स पर आरोप लगा कि उन्होंने फिल्म के जरिए केरल को बदनाम करने की कोशिश की है। अब द केरल स्टोरी के टीजर पर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। जानकारी के मुताबिक अब केरल के DGP ने तिरुवनंतपुरम के पुलिस आयुक्त को द केरल स्टोरी के टीजर पर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि ये आदेश CM को भेजी गई शिकायत के बाद दिया गया था। हाईटेक क्राइम इंक्वायरी सेल ने मामले की प्रारंभिक जांच की और इसकी रिपोर्ट DGP को भेजी है। जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु के एक पत्रकार ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को द केरल स्टोरी फिल्म का टीजर देखने के बाद एक पत्र लिखा। पत्रकार ने केरल सरकार से फिल्म के निदेशक को बुलाने और टीजर की सच्चाई की जांच करने की रिक्वेस्ट की, जिसमें दावा किया गया था कि केरल की 32,000 लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन किया गया, जो बाद में आतंकवादी ग्रुप ISIS में शामिल हो गई और कईयों की मृत्यु हो गई उसी रेगिस्तान में जहां पर उनकी भर्ती आतंकवादी संगठन में की गई थी।